फीफा विश्व कप 2022 में ब्राजील की टीम ने अपने पहले मैच में सर्बिया को 2-0 से हरा दिया है। खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही ब्राजील की टीम ने पहले मैच में जीत के साथ शानदार शुरुआत की, लेकिन टीम के मुख्य स्ट्राइकर नेमार की चोट ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। उनके टखने में चोट लगी है और टीम के डॉक्टर का कहना है कि स्कैन के बाद ही उनकी चोट की गंभीरता का पता लगाया जा सकेगा। सर्बिया के खिलाफ मैच में ब्राजील के लिए दोनों गोल रिचर्लिसन ने किए हैं। उन्होंने 9 मिनट के अंदर 2 गोल कर अपनी टीम को निर्णायक बढ़त दिलाई। ग्रुप जी के मैच में ब्राजील की टीम लगभग 1 घंटे तक गोल करने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन इसके बाद रिचर्लिसन ने 2 गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई, जो निर्णायक साबित हुई। ब्राजील की टीम फीफा विश्व कप में लगातार 20वां मैच जीती है और अब ये टीम फाइनल मुकाबला जीतकर 20 साल बाद फिर से चैंपियन बनना चाहेगी।